बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2.1 का पार्ट 1 सॉल्व करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से डोमेन और रेंज मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आज का टॉपिक होगा कि आज आप कंपोजिशन फंक्शन को देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से आपके सवाल मैच करते हैं और कौन कौन से सवाल आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे नंबर आपके पास शो हुआ होगा, आप उसमें मुझे मैसेज करोगे और कहोगे कि सर सेकंड ईयर के ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको क्या करूंगा, सेकंड ईयर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है न्यू बुक है और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेकंड ईयर की न्यू बुक के तमाम चैप्टर्स के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को सीखने के लिए कुछ चीजें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ना, फिर सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक तरीके का आप समझ लो कि आपको मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था, डोमेन रेंज के बारे में बताया था। ठीक है, मतलब किसी का इनपुट किसी का आउटपुट बन जाए और फिर किसी का आउटपुट किसी का इनपुट बन जाए, इसे एक तरीके से कहा जा सकता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। शायद आपको अभी भी समझ नहीं आया हो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, उसका एक सेट है मेरे पास a एज अ इनपुट और उसका क्या आ रहा है, बी एज अ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मतलब ए क्या है, इनपुट है, और बी क्या है, मेरे पास आउटपुट है, किसका, फंक्शन एफ का। ठीक है, फिर मैंने एक और फंक्शन ले लिया जिसका नाम क्या दे दिया बेटा, जी दे दिया। क्या दे दिया, जी। तो जी में मैंने क्या करा, जो इसका आउटपुट था वो इसका क्या बन गया, इनपुट बन गया, और इससे एक फर्दर मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। मैंने क्या किया, पहला फंक्शन मेरे पास f था जिसका इनपुट क्या था, a, जिसका आउटपुट आया था मेरे पास b। तो मैंने एक और फंक्शन ले लिया, कंसीडर कर लिया कि एक g फंक्शन है, जो पहले वाले फंक्शन का आउटपुट बन रहा था वो इसका इनपुट बन गया और उसका क्या बन गया, मेरे पास एक और नया आउटपुट बन करके आ गया। ठीक है, यहां तक सही है। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास क्या होगा, इसका जो इनपुट था पहले फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का आउटपुट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के आ जाए, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसका नाम मैंने दे दिया बेटा एस से, और मैंने उसको डोनेट कर दिया कि मेरे पास ये जो ए है उसका आउटपुट बनकर क्या आ गया, मेरे पास सी। बेसिकली देखा जा रहा है कि इसका इनपुट बनकर आ गया दूसरे वाले का आउटपुट। तो ये जो चीज होता है ये मेरे पास क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कोई मसले की बात नहीं है, एक और तरीका आपको बताऊंगा मैं। देखो वो क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, और फिर एक और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, कौन सा सेट है, मेरे पास एक ये है, देन दूसरा सेट मेरे पास ये है। ठीक है, मेरा एक सेट है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया सेट एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है मेरे पास एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके कुछ नाम दे दिए, जैसे कि मेरे पास क्या हो गया, इसके कुछ मैं डोमेन के अल्फाबेट लिख देता हूँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये चार मेरे पास इसके टर्म थे। अब इसका क्या होगा, ये एज अ इनपुट बनकर के इसमें क्या आएगा, मेरे से कुछ आउटपुट बनकर आएगा। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 भी लिख दिया। ठीक है, तो इससे ये एक आउटपुट आ गया, इससे ये एक आउटपुट आ गया, इससे ये एक आउटपुट आ गया। ठीक है, मतलब ये फंक्शन है, मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। ठीक है, मैं वाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है बेटा, फंक्शन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, फंक्शन। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये एज अ रिजल्ट बन करके आ रहा है वाई के पास। ठीक है, तो मेरे पास ए से क्या आया, वन आया, एक इनपुट मैंने ए लिखा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, वन आ गया, बी लिखा तो टू आ गया, सी लिखा तो थ्री आ गया, डी लिखा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, थ्री, एंड सी लिखा तो फोर आ गया। ठीक है, और 5, 6 नहीं है मेरे पास, बस जैसा वैल्यूज है। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा और मजीद किया, अभी इसको ए बी करके नाम दे दो। ठीक है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ ए जो था उससे आउटपुट क्या बन के आया, मेरे पास बी आया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और नाम दे दिया, ठीक है, एक सेट एक और ले लिया, जिसको मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ से इसका जो इनपुट था, इसका जो आउटपुट था, वो यहाँ पर आके इनपुट बन गया। ठीक है, मतलब इसका इनपुट हो गया और उसका क्या हो गया, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जैसे मैं सपोज लिखे 10 लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ, 13 लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, अपने हिसाब से रैंडमली वैल्यू लिख रहा हूँ। 2 से मेरे पास क्या आ गया बेटा, 13 आ गया, 3 से मेरे पास 11 आ गया, 4 से 12 आ गया, 5 से 14 आ गया, और 6 से क्या आ गया, 15 आ गया।
तो उसको देख के समझ में क्या आ रहा है, ये ए था, ये बी था, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, सी दे दिया, ठीक है। और इसके दरमियान जो फंक्शन बनाया वो क्या हो गया मेरे पास, जी हो गया, ठीक है, मैंने इसको जी का नाम दे दिया। तो ये मेरे पास क्या बनकर आ रहा है बेटा, ये मेरे पास आ रहा है बी एज अ इनपुट एंड सी इज अ आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह का ये फंक्शन बनकर आ रहा है। तो देखने से ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास क्या है बेटा, ये जो पहली टर्म थी वो पहले इनपुट थी, किसका आउटपुट बन गया बी का, फिर बी क्या बन गया इनपुट बन गया, किसका आउटपुट बन गया जी का, मतलब सी का बन गया, मतलब इस वाली टर्म का क्या बन गया, ये एज अ इनपुट बन गया और ये क्या बन गया आउटपुट। तो बेसिकली सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये टर्म इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हर एक दूसरे का भी डिपेंड कर रहे हैं और हर का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसका कॉम्बिनेशन कर दूं कि इसको फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से मिला दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये GOF हो जाएगा, ठीक है। इसको कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं कि मेरे पास क्या होगा GOF, कैसे मेरे पास लिखाएगा, ये G लिखाएगा, फिर उसके बाद लिखेगा, असल में ये वाली जो पूरी टर्म है वो टर्म क्या बन रही है, एज अ इनपुट बन रही है, किसका, G का। तो मैंने लिख दिया G और इसके अंदर क्या लिख दिया बेटा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, एक्स बन गया, बल्कि जो भी आप वेरिएबल दोगे इसका नाम, ए बी लिख दो, सी लिख दो, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि मेरे पास जी ओ एफ क्या बन गया, फंक्शन ऑफ इस वाले फंक्शन का क्या बन गया, वो एज अ इनपुट बन गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो टर्म थी वो पूरे इनपुट बन गया, मतलब एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया और ये जो आउटपुट आया वो क्या आया, जी बन करके आ गया था। तो इसको क्या कहेंगे, एज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं चीजें और भी लिख देता हूँ आपके, चीजों आपको याद रह जाएगा इस तरीके से कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास होता है एक जी ओ एफ, ठीक है। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो रहा है, जी ऑफ एफ का मतलब कंपोजिशन फंक्शन है एक तरह का ये। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जी लिखा हुआ है ना तो आपने जी बाहर लिखना है, ठीक है, और जो ये एफ अंदर लिखा हुआ है, ये जो ओ है ना ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये कंपोजिशन फंक्शन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, बेसिकली क्या हो गया है, जी मेरे पास यहाँ पे बाहर आ गया और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया उसका एज अ इनपुट बन गया है, ठीक है। ये इसके अंदर वाला इनपुट अलग है, तो ये बाहर एज अ इसका इनपुट बन गया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, अगर मेरे पास लिखा हुआ होता है बेटा एफ ओ जी लिखा हुआ होता है, तो एफ ओ जी का मतलब क्या होगा, एफ मेरे पास बाहर लिखाएगा और जी क्या हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास लिखा हुआ आता है कि एफ का स्क्वायर या फिर एफ का स्क्वायर या फिर लिखा हुआ जाए एफ ओ एफ, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि मेरे पास एफ एज अ फंक्शन बन जाएगा, किसका, एफ ऑफ फंक्शन का, ठीक है, उसी का ही फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे पास जी का स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए या फिर जी ऑफ जी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, जी ऑफ जी लिखा हुआ आ जाए, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, मेरे पास जी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, जी एज अ इनपुट बन करके उसका भी एज अ इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चार तरीके से लिखने का तरीका होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल की तरफ आते हैं और सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू, इफ एफ एक्स जो है मेरे पास 5x प्लस 2 है और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 3 है, और कहा जा रहा है कि आप क्या निकाल दो, एफ ओ जी निकाल दो, जी ओ एफ निकाल दो, एफ ओ एफ निकाल दो और जी ओ जी निकाल दो, ठीक है, ये बोला गया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा बेटा, एफ ओ जी जो हमें बताया हुआ है, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन जो बोला गया उसको करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एफ ओ जी है क्या, ठीक है। तो हमें मालूम है एफ ओ जी है ये एज अ फंक्शन, इसके साथ एक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, अभी लिख के दिखाया, एफ ओ जी बराबर होता है हमारे पास, एफ पहले लिखा जाता है और अंदर क्या लिखा जाता है बेटा, जी, और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, एक्स, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ठीक है, बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी को सॉल्व करने में, समझ नहीं आता किसको एफ लें किसको जी एक्स लें, तो इसलिए मैं थोड़ा समझाने के लिए क्या किया, मैंने लिया एफ ओ एक्स जो था मेरे पास, सवाल में देखो एफ एक्स लिखा हुआ और जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ और लिखा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग लिखता। मैंने क्या लिखा बेटा, एफ ओ जी जो होता है ये कंपोजिशन फंक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है, एफ, ठीक है, और मेरे पास क्या होता है, जी अंदर आ जाता है, क्योंकि एफ पहले लिखा हुआ है तो एफ पहले लिखेंगे, जी बाद में लिखा हुआ है तो जी हम एज अ अंदर एज अ इनपुट लेंगे, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करना होगा, हमें फंक्शन दिया हुआ कौन कौन से, एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 5x प्लस 2, और दूसरी वैल्यू दिया हुआ है बेटा जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है मेरे पास
टू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री। कहने का मकसद इसमें यह है कि ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये जो बाहर के साइड है एफ, ठीक है, ये जो जी ऑफ एक्स है उसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका इनपुट, मतलब इस एक्स की जगह जो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो मेंशन किया होता है ना, वही उसके अल्फाबेट की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। यानी ये जो एक्स है ना, इस एक्स की जगह क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर पुट हो जाएगी। कैसे पुट होगी बताता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ ना एफ बाहर लिखा हुआ है और जी ऑफ एक्स अंदर लिखा हुआ है, एज अ इनपुट लिया जा रहा है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये है, और एफ क्या है मेरे पास, ये है। तो एफ लिखूंगा, एफ की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरी टर्म लिखूंगा, लेकिन एक्स की जगह क्या होगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स दिया हुआ है, तो हमेशा वैल्यू किसके अंदर पुट होगी, एक्स के अंदर पुट होगी। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहोगे, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया, ठीक है, एज अ सपोज कर लिया। अब क्या करना होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वर्डिंग लिखूंगा रिप्लेस एक्स विथ, मतलब रिप्लेस करना है मुझे एक्स को विथ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर वन। इन इक्वेशन वन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरे पास एक्स है, यहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहां मैं यह कर देता हूँ, उसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ जी एक्स, मतलब एफ की जगह क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, इस एक्स की जगह क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा। किसमें, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास बाहर एफ लिखा हुआ है, तो मैं एफ वाले में करूंगा। अगर मेरे पास जी लिखा हुआ होता बाहर, तो मैं जी वाले को रिप्लेस करता हूं उसके अपोजिट वाले से, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करना होगा, मेरे पास यही टर्म है उसको लिखूंगा दोबारा से, इक्वेशन नंबर मेरे पास बिकम आ गया, और फिर लिखूंगा एफ, लिखूंगा एक्स, ये क्या आ जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, f लिखा, x ये क्या आ गया, g ऑफ x आ गया, तो g ऑफ x लिख दिया। फिर मैंने इक्वल टू का निशान लगाया, फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। और x की जगह क्या आ जाएगा, फिर से g ऑफ x आ जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, दोबारा से g ऑफ x लिख दिया। फिर प्लस का निशान 2 लिखा हुआ है, तो मैंने प्लस का निशान 2 डाल दिया। कितना आसान था ना, बस जस्ट जहां जहां एक्स था वहां वहां जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे मालूम है f g of x इसके बराबर है, f g of x इसके बराबर है, f o g के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, f o g, और इसके साथ x लिख देना, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या करूंगा, 5 लिखूंगा, g of x की वैल्यू क्या है बेटा, g of x की वैल्यू है 2x का स्क्वायर माइनस 3, 2x का स्क्वायर माइनस 3। तो मैं क्या करूंगा, g of x की जगह 2x का स्क्वायर माइनस 3 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, f o g of x को वैसे ही लिखेंगे, 5 2 से कितना होता है मेरे पास 10 होता है, और x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 3 से कितना होता है बेटा 15, और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x का स्क्वायर माइनस प्लस 15 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा। तो f o g x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10x का स्क्वायर माइनस 13। तो ये क्या होगा, मेरा इस सवाल का जवाब होगा, मैं देख लेता हूँ मेरे बोर्ड में, तो तमाम टर्म्स नजर आ रही है ना जी, बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो चले आ जाते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो मुझे ये वाला हिस्सा रब करना पड़ जाएगा, बल्कि मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनते रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाता हूँ, तो उसी तरह से करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखोगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा बेटा, जी ऑफ एफ लिखा हुआ है, तो मुझे मालूम है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होते हैं, जैसे बताया था g पहले लिखा हुआ, तो g पहले लिख दोगे और अंदर क्या लिखोगे, जो f वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे मालूम है सवाल में क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा, 5x प्लस का 2, और g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई मेरे पास बेटा, 2x का स्क्वायर माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर अगेन क्या बोल दूंगा, 2 बोल दूंगा। अब क्या करना होगा बेटा, अब इसमें अपोजिट काम करना है, जी बाहर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो g है, अब ये जो g बाहर जो लिखा हुआ है, जो एफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट हो जाएगी, मतलब ये 5x प्लस 2 किसके अंदर पुट होगा, इस x के अंदर पुट होगा, ठीक है। रिप्लेस हमें किससे करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 से, किसको, f ऑफ x को, क्योंकि f ऑफ x क्या है, अंदर है, और g कहाँ है बेटा,
बाहर है, जो चीज बाहर होती है उसको सेम को क्या करते हो, उसके अगे उसके अपोजिट वाले टर्म को उसके अंदर क्या कर देते हो, पुट कर देते हो। देखो इस तरह से लिखोगे रिप्लेस, इंग्लिश में वर्डिंग लिखोगे रिप्लेस क्या एक्स, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करना है, जी बाहर लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स से करना होगा रिप्लेस, किससे करना होगा, एफ ऑफ एक्स से, रिप्लेस एक्स विद एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो अंदर लिखा हुआ होता है उसी से रिप्लेस होता है, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, एफ ऑफ एक्स से, इन कौन सी इक्वेशन है बेटा, जाहिर सी बात है इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि जी वाले इक्वेशन नंबर टू है, जी वाला कौन सा है मेरे पास, इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है। अब आई थिंक से तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो अब क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, जी लिखा हुआ है तो जी लिखा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा और इक्वल टू का निशान डालूंगा, ठीक है, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, टू लिखूंगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा फिर से, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर था, तो एक्स रिप्लेस हुआ एफ ऑफ एक्स के, और उसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। अभी माइनस का क्या हो जाएगा, थ्री, तो मैंने माइनस का क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, बस कंफ्यूज नहीं होना, बस देखते जाना, होते जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड टर्म में मुझे मालूम है जी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, जी एफ ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, जी ऑफ एफ लिख दूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो टू लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, फाइव एक्स प्लस टू, तो क्या लिखूंगा, फाइव एक्स प्लस टू लिखूंगा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर माइनस का थ्री लिख दूंगा। हमें मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग सकता है, तो क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलो आज वो लिख लेते हैं इसको, इसी तरह से सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। टू को मैंने वैसे ही लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, अब ए का स्क्वायर करना है, तो पहली वैल्यू कौन सी होती है बेटा, पहली वैल्यू मेरे पास ए होती है, और दूसरी वाली वैल्यू कौन सी होती है, बी होती है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5x लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, प्लस का निशान 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 5x है, और b की वैल्यू क्या है 2 है, और फिर मेरे पास b के ऊपर भी क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला में क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, और माइनस का 3 लिखा हुआ था, माइनस का 3 आपके सामने वैसे ही लिख दिया। तो चलो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, 2 वैसे ही लिख दिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, तो 25 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10, और 10 2 मेरे पास 20 होता है, ठीक है, 10 2 मेरे पास 20 होता है, तो क्या आ जाएगा, 20x आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो है वो एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो करके देख लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, लाइक दिस, 2 5 2 25 50 होता है, ठीक है, तो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 25 50 एक्स का स्क्वायर, तो वैसे ही लिख दिया, 2 20 कितना होता है बेटा, 40 होता है, तो 40x हो जाएगा, ठीक है, 2 4 कितना होता है, 8 होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 8, और माइनस का क्या आखिरी में 3 है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 50x का स्क्वायर प्लस 40x, और प्लस का क्या आ जाएगा, 5, तो ये मेरा इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, जवाब हो जाएगा। और हमने क्या कर दिया, इसको भी लिख करके आपको कंप्लीटली सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि एफ ओ एफ है या फिर एफ का स्क्वायर है, बात वही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि आगे चलना है और बहुत सारे सवालात को सॉल्व करना है, तो आसान तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शायद मुझसे पढ़ रहे हो, तो इस वजह कर मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, एफ ओ एफ लिखा हुआ है, एफ ओ एफ क्या होगा मेरे पास, जाहिर सी बात है एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर भी क्या लिखाएगा बेटा, एफ वाली ही वैल्यू लिखाएगी, तो मैंने जस्ट क्या कर दिया आपके सामने, वही टर्म लिख कर दिखा दिया। फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, जो कि मेरे पास क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 5x प्लस 2 है, जबकि दूसरी वैल्यू तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 ही चाहिए होगा, क्योंकि दोनों में एक ही चीज यूज हो रहा है, तो मैं इसको एज अ इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे रिप्लेस करना होगा किसको, मुझको यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, जो अंदर होता है वही चीज रिप्लेस होता है, तो क्या लिखूंगा, रिप्लेस करना है मुझे, रिप्लेस
एक्स विद एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को विद एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, इक्वेशन नंबर वन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन से क्या होगा, ये रिप्लेस होगा। तो सिंपल, जहां जहां एक्स लिखा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मैंने एफ लिखा और उसके जगह क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो अंदर क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान, फिर फाइव लिखा हुआ है फाइव लिखूंगा और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया और प्लस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, एफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ओ एफ के बराबर होता है। तो क्या लिख देता हूँ, एफ ओ एफ के बराबर है ये मेरे पास, और फाइव वैसी लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 5x प्लस का 2, तो मैंने आपके सामने लिख दिया और फिर क्या करूंगा, प्लस का 2 लिख दूंगा। अब क्या लिखूंगा, एफ ओ एफ वैसे ही लिखा मैंने, 5 5 का कितना होता है बेटा, 25 होता है, 5 2 का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, और प्लस का 2 मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो अब मेरे पास एफ ओ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 25x प्लस 12, ठीक है, क्योंकि 2 था, 2 5 से मेरे 10 हो गया प्लस 2, तो मेरे पास एफ ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई। और हमने इसको देखो कितना आसान तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मेरे पास जी ओ जी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन लेकिन आराम से हो जाएगा सॉल्व। तो अब क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा यहाँ पे जी ओ जी, ठीक है। तो हमें मालूम है जी ओ जी किसके बराबर होता है, जी ओ जी मेरे पास बराबर होता है, जी बाहर लिखाएगा और अंदर भी क्या हो जाएगा बेटा, जी ही लिखाएगा एज अ इनपुट, ठीक है। हमें मालूम है क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल यूज किया गया, तो मैं जी ऑफ एक्स को ही लिखता हूं, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, रिप्लेस करना होगा किसको, एक्स को विद जो मेरे पास अंदर वैल्यू होती है उससे होता है। तो जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। तो जी लिखूंगा और बाहर क्या आ जाएगा, g ऑफ x लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, g ऑफ x लिखा जाएगा क्लोज, फिर क्या लिखूंगा बेटा, 2 लिखूंगा और x की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ x लिखा जाएगा और उसके ऊपर क्या लगा जाएगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस का क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, जी ऑफ जी ओ जी एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, जी ओ जी होती है, तो लिख देगा जी ओ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, 2 लिखूंगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 2x का स्क्वायर है, तो लिखता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 3 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 3। तो बेटा इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मुझे मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह फॉर्मूला लिख देंगे, जी ओ जी ऑफ एक्स जो है, इम्प्लाइज दैट का निशान डालना मत भूलना वरना नंबर कट जाते हैं, आपको पता ही होगा, 2 को मैंने वैसे ही लिखा, इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, 2x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 लिखते हैं और फिर ab होता है, तो a की वैल्यू क्या है, 2x है और b की वैल्यू क्या है, 3 है, और आखिरी में प्लस का निशान है, b का स्क्वायर मतलब 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जी ओ जी को वैसे ही लिखना होगा, एक्स को वैसे ही लिखना होगा, 2 वैसे ही लिखेंगे, ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 2 4, 4 3 12, तो 12x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 3 3 क्या होता है, 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ सबके साथ, तो जी ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 4 8x का स्क्वायर, और सॉरी एक चीज यहाँ भूलना मत, ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 2 4 8 और उसके ऊपर 4 लगा हुआ है, तो 4 वैसे ही रहेगा, माइनस का 2 12 है मेरे पास क्या होता है बेटा, 24 होता है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, 24x लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 9 18 होता है, तो 18 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 20 21 22 23 24, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ जी ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या आएगी बेटा, 8x का 4, तो क्या लिखूंगा, 8x का 4 माइनस का 24 माइनस का 24x, ठीक है, और बेटा प्लस 18 और माइनस 18 मतलब प्लस का 15, तो ये क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और आपको बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, और क्या करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।